हेलो। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं में अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो चिन्ह हैं वो तृतीय चतुर्थांश में किस प्रकार के होते हैं? देखें, तृतीय चतुर्थांश में जो एंगल थीटा बन रहा है उसके लिए लंब की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी अर्थात लंब और आधार दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, और आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है जो ग्रेटर देन 0 है। तो इस प्रकार से साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, वियर वाई इज नेगेटिव सो साइन थीटा विल बी नेगेटिव। कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स इज ऑल्सो नेगेटिव सो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव। एंड टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई एंड एक्स बोथ आर नेगेटिव सो टेन थीटा विल बी पॉजिटिव। कॉट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, हेयर एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव सो देयर रेशियो विल बी पॉजिटिव सो कॉट थीटा इज पॉजिटिव। एंड सेक थीटा इक्वल टू आर अपॉन एक्स, हेयर एक्स इज नेगेटिव सो सेक थीटा इज नेगेटिव। एंड कॉसेक थीटा इज आर अपॉन वाई, आर इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव सो कॉसेक थीटा विल बी नेगेटिव। नाउ वी प्रोसीड टू फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश में के लिए, चौथे चतुर्थांश में बने कोण के लिए जो लंब है वो नेगेटिव होगा और जो आधार है वो पॉजिटिव होगा, अर्थात एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है और आर की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण वाई अपॉन आर, सिंस वाई इज नेगेटिव सो साइन थीटा विल बी नेगेटिव। कॉस थीटा इज एक्स अपॉन आर, एक्स इज पॉजिटिव आर इज पॉजिटिव सो कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव। बट टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई इज नेगेटिव एक्स इज पॉजिटिव सो टेन थीटा विल बी नेगेटिव। एंड कॉट थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, हेयर एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव सो कॉट थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। सेक थीटा इक्वल टू आर अपॉन एक्स, आर एंड एक्स बोथ आर पॉजिटिव सो सेक थीटा विल बी पॉजिटिव। एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू आर अपॉन वाई, आर इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव सो कॉसेक थीटा इज नेगेटिव। नाउ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन ऑल क्वाड्रेंट कैन बी समराइज्ड एज, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट आर पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक आर पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव। सो दिस कैन बी अंडरस्टूड एट देन कैट दैट कैन बी रिमेम्बर्ड, ये बात याद रखी जा सकती है बाई ए एस टी सी, ठीक, ऑल साइन टेन एंड कॉस और इन ब्रीफ एड सुगर टू कॉफी। ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस स्टैंड्स फॉर साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक विच इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, टेन स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर टेन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोटेंजेंट विच आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट रेस्ट आर नेगेटिव, एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस सी स्टैंड्स फॉर कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल सेक आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड रेस्ट आर नेगेटिव। हियर इज इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, इफ कॉट थीटा इक्वल टू माइनस 12/5, थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो हियर cot theta equal to minus 12 upon 5 implies tan theta equal to minus 5 upon 12. Sec square theta is 1 plus tan square theta. So sec square theta is equal to 169 upon 144. That means sec theta equal to plus minus 13 upon 12. Or sec theta equal to minus 13 upon 12 as theta lies in theta lies in sec एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में
थीटा था, तो उसके लिए कॉस एंड सेक बोथ आर नेगेटिव, सो सेक थीटा विल बी माइनस 13/12, विच गिव्स कॉस थीटा इक्वल टू -12/3, एंड देन साइन थीटा इक्वल टू 10 थीटा इंटू कॉस थीटा, 10 थीटा इज -5/12, एंड कॉस थीटा इज -12/13, विच इज इक्वल टू 5/13, साइन थीटा विल बी पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड कॉसेक थीटा इज 13/5. Now the another method, if cot theta is -12/5, theta lies in second quadrant, find the values of other five trigonometrical functions. So method 2, here we can draw a triangle a second quadrant, and that cot theta equal to -12/5, so base is -12 and perpendicular is 5. So that hypotenuse will be under root -12² + 5², which is equal to under root 169, and that comes out 13. So here x is equal to -12, y is equal to 5, and r equal to 13. So now sin theta is y/r, 5/13, cos theta is x/r, -12/13, 10 theta equal to y/x, so 5/-12, and sec theta equal to r/x, so this is equal to 13/-12, and cosec theta equal to r/y, so that is equal to 13/5. Now domain and range of trigonometric functions. Here sin theta, its domain is R. Whatever be the value you want to take as the element of domain, so entire set of real number is the domain, in because sin theta is defined for every value of theta, for real theta is real. So and but its range is -1 to closed interval -1 to 1, because we know that sin theta has the maximum value 1 and the minimum value -1. Similarly cos theta, its domain is R and range is closed interval -1 to 1. Tan theta, as we know that we can't take theta equal to odd multiple of pi by 2, because for 10 pi by 2 it is infinite, that is it is not defined. So its domain is r minus theta, where theta is odd multiple of pi by 2, and the range, as we know that the value of tan theta ranges from minus infinite to plus infinite, so entire r, that is the set of real number, will be the range of tan theta. इसी प्रकार से cot theta में हम cot theta परिभाषित नहीं है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, क्योंकि cot पाई इज इक्वल टू 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड. ठीक, सो दैट इज टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम डोमेन. सो R will be the domain of cot theta function, that is set of real number minus even multiple of pi minus theta, that is R minus singleton theta, theta such that theta equal to n pi, and the range is again, that is minus infinite to plus infinite, so range is entire set of real number. Similarly we know that sec theta is not defined for theta equal to odd multiple of pi by 2, because we know that sec theta equal to 1/cos θ, and if you take theta equal to pi by 2, then 1/cos π/2, so 1/0, which is not defined, so that is to be eliminated from R. So domain of sec theta, it is equal to R minus singleton theta such that theta equal to 2n + 1 π/2. And range of sec theta, as the value of sec theta, it is reciprocal of cos theta, so we know that that part, that is open interval -1 to 1, that is eliminated from R. So the range of sec theta is R minus
क्लोज ओपन इंटरवल -1, 1। सिमिलरली कॉसेक थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड फॉर थीटा इक्वल टू पाई साइन पाई इज 0। सो इन केस इफ वी टेक कॉसेक पाई देन कॉसेक पाई इज इक्वल टू 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। सो अगेन डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा दैट इज थीटा बिलोंग्स टू आर माइनस सिंगल्टन थीटा सच दैट थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एंड अगेन द रेंज ऑफ कॉसेक थीटा द वैल्यू ऑफ द रेंज ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू -1/1 दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम आर। सो आर माइनस ओपन इंटरवल -1/1 सो दैट विल बी द रेंज ऑफ कॉसेक थीटा। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy इज पॉसिबल फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ओनली वेन एक्स इज इक्वल टू वाई। सो ही आर गिवेन दैट साइन स्क्वायर थीटा इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4xy। नाउ सॉल्यूशन, साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1। सो हियर we have that x plus y whole square divided by 4xy is less than or equal to 1, that is x plus y whole square is less than or equal to 4xy. Here we have x plus y whole square minus 4xy is less than or equal to 0. This implies x minus y whole square is less than or equal to 0. So this is a perfect square, and perfect square can never be negative because x minus y whole square for all values of x and y it is a whole square, so that cannot be less than 0. So only possibility that x minus y whole square is equal to 0. So this implies that x minus y whole square is not less than 0. So here x minus y is equal to 0, so this implies x is equal to y. Now trigonometric functions for allied angles, here we have trigonometrical ratios, that is for minus theta sin minus theta is minus sin theta, sin 90 minus theta is cos theta, sin 90 plus theta is cos theta, sin 180 minus theta is sin theta, and sin 180 plus theta is minus sin theta, sin 360 minus theta is minus sin theta, and sin 360 plus theta is equal to sin theta. Similarly, cos minus theta is equal to cos theta, sin cos 90 minus theta is sin theta, cos 90 plus theta is minus sin theta, and cos 180 minus theta is minus cos theta, cos 180 plus theta is equal to minus cos theta, and cos 360 minus theta is cos theta, and cos 360 plus theta is equal to cos theta. Similarly, tan minus theta is equal to minus tan theta, tan 90 minus theta is cot theta, and tan 90 plus theta is minus cot theta, tan 180 minus theta is minus tan theta, and tan 180 plus theta is tan theta, again tan 360 minus theta is minus tan theta, and tan 360 plus theta is equal to tan theta. Now trigonometric functions for all allied angles, that is here we have cot minus theta is minus cot theta, cot 90 minus theta is tan theta, cot 90 plus theta is minus tan theta, cot 180 minus theta is minus cos theta, cot 180 plus theta is cot theta, and cot 360 minus theta is minus cot theta, and cot 360 plus theta is cot theta. Similarly, sec minus theta is sec theta, sec 90 minus theta is cosec theta, sec 90 plus theta is minus cosec theta, sec 180 minus theta is minus sec theta, sec 180 plus theta is minus sec theta, sec 360 minus theta is sec theta, and sec 360 plus theta equal to sec theta.
कॉसेक माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 360 माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। नाउ पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, त्रिकोणमिति फलनों का की आवर्तता। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स, देन टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इफ टी इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर पीरियोडिसिटी आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन वैल्यू रिपीट्स इट्सेल्फ। पीरियोडिसिटी से मतलब है कि एक एक्स के एक निश्चित मान के बाद आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक निश्चित मान के बाद अगर यदि फलन उसी वैल्यूज को दोहराता है तो तो हम जो है क्या कहते हैं उस टी को जो है जो वैल्यू एक्स के बाद आपने ली है उसको जो है क्या कहते हैं पीरियोडिसिटी या आवर्तता कहते हैं। पीरियड ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वी नो साइन 360 प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा, पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 360 और 2 पाई। कॉस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू अगेन कॉस थीटा, सो पीरियड ऑफ कॉस थीटा इज 360 और 2 पाई। टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, पीरियड ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और पाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, एंगल्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी एट्सेट्रा आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स। जब दो या अधिक एंगलों कोणों को जोड़ते या घटाते हैं, दो या अधिक एंगल्स को जोड़ते या घटाते हैं तो जो है जो एंगल मिलता है उसे कंपाउंड एंगल कहते हैं। द एडिशन फार्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। नाउ प्रूफ, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो नाउ दिस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी, वी हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, वी गेट टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सिमिलरली वी हैव कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। हियर आर सम इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकेंड वन इज टेन 105 डिग्री। सो सॉल्यूशन, साइन 75 विच कैन बी रिटेन एज साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, सो एक्सपेंडिंग इट दैट इज साइन ए कॉस बी, सो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, सो साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, कॉस 30 इज अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस कॉस 45 इज 1 बाई रूट 2 एंड साइन 30 इज 1 बाई 2, सो दैट कम्स आउट एलसीएम इज 2 रूट 2, सो दैट कम्स आउट अंडर रूट 3 प्लस 1 और आंसर इज माइनस 2 प्लस रूट 3 सेकेंड 1005 का को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स बाय डिफरेंस फार्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, एंड टेन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी।
एंड कॉट ए माइनस बी इज कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, और यू कैन से दैट कॉट ए माइनस बी इज माइनस कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉट बी. नोट बाई रिप्लेसिंग बी टू माइनस बी इन एडिशन फार्मूला बी गेट द डिफरें बी कैन हैव द डिफरेंस फार्मूला. इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स. नाउ इफ टेन थीटा प्लस एल्फा इज इक्वल टू ए एंड टेन थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल टू बी, देन प्रूव दैट टेन टू एल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी. सो सॉल्यूशन, tan 2 alpha can be written as tan of theta plus alpha minus theta minus alpha. So here applying the formula of tan a minus b, that is tan theta plus alpha minus tan theta minus alpha divided by 1 plus tan theta plus alpha into tan theta minus alpha. So that is a minus b upon 1 plus ab. Now some important deductions. कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला यहाँ पर डेरिवेशंस. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. द सेकेंड वन इज कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और which is also equal to cos square b minus sin square a. Now tan of a plus b plus c is equal to tan a plus tan b plus tan c minus tan a into tan b into tan c whole divided by 1 minus tan a into tan b minus tan b into tan c minus tan c into tan a. To express a cos theta, next one is to express a cos theta plus b sin theta in the form of k cos phi or lambda sin psi. So a cos theta plus b sin theta, that can be written as by multiplying under root a square plus b square and dividing by under root a square plus b square. So we have under root a square plus b square into a divided by under root a square plus b square into cos theta plus b divided by under root a square plus b square into sin theta. Now let cos alpha be a upon under root a square plus b square, then sin alpha will be b upon under root a square plus b square. So that becomes a cos theta plus b sin theta comes out equal to under root a square plus b square in the bracket cos theta into cos alpha plus sin theta into sin alpha. So this is equal to under root a square plus b square into cos theta minus alpha, and that is equal to k cos phi, where k is under root a square plus b square and phi is equal to theta minus alpha. Similarly, we get a cos theta plus b sin theta is equal to lambda into sin psi. In case if we replace a upon under root a square plus b square, this time by sin alpha, then the cos alpha will be b upon under root a square plus b square. So that we you will have the formula now, this time sin of a plus b, sin theta into cos alpha plus cos theta into sin alpha. So illustrate, find the maximum and minimum values of 7 cos theta plus 24 sin theta. 7 cos theta plus 24 sin theta, so this is equal to under root 7 square plus 24 square in the bracket 7 upon under root 7 square plus 24 square into cos theta plus 24 divided by under root 7 square plus 24 square into sin theta. So that is equal to 25 into 7 upon 25 cos theta plus 24 upon 25 sin theta. Now let cos alpha equal to 7 upon 25, this implies sin alpha will be 24 upon 25. So therefore 7 cos theta plus 24 sin theta is equal to 25 into cos theta into cos alpha plus sin theta into sin alpha in bracket. So that is 25 cos of theta minus alpha.
नाउ 25 cos φ, वेयर फाइ इज इक्वल टू थीटा माइनस एल्फा. नाउ वी नो दैट द कॉस फंक्शन विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू 1. सो इन केस इफ यू टेक कॉस फाइ इक्वल टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन विल बी 25 एंड द मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस 25. सो हियर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 25 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस 25, दैट विल बी द आंसर. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन टू सम एंड डिफरेंस. 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी. 2 कॉस ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी. 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी. एंड 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू cos of a minus b minus cos of a plus b. Now proof, the proof for the third one is that is RHS is cos a plus b plus cos a minus b. On expanding, cos a plus b is cos a into cos b minus sin a into sin b, and cos a minus b is cos a into cos b plus sin a into sin b. So we have 2 cos A into cos B equal to LHS. The fourth one formula is the 2 sin A sin B is equal to cos A minus B minus cos A plus B. Now transformation formulae, transformation of sums or difference into product. Sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. By putting a plus b equal to c and a minus b equal to d in the previous formula, we get this result. Sin c minus sin d is 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Similarly, cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2. And the last one is cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, or cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. Illustrative problems now. Prove that cos 8x plus cos 6x plus cos 4x divided by sin 8x plus sin 6x plus sin 4x is equal to cot 6x. So here LHS, now we have a pair as cos 8x plus cos 4x in one bracket, and outside the bracket we take cos 6x divided by similarly sin 8x plus sin 4x and in the bracket, and outside the bracket is sin 6x. So we have taken here the pairing of 8x and 4x so that 8x plus 4x divided by 2 is equal to 6x. So applying formula, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and in denominator also applying formula 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, we have 2 cos 6x into cos 2x plus cos 6x the whole divided by 2 sin 6x into sin 2x plus sin 6x. Taking 2 sin 2 cos 6x common in numerator, we have cos 2x plus 1, and in denominator taking common 2 sin 6x, we have in bracket cos 2x plus 1. Cos 2x plus 1 may, from numerator and denominator cancelled out, so we have 2 and 2 also cancelled out, so cos 6x divided by sin 6x is equal to cot 6x. If the angular diameter of the moon be 30 minutes, how far from the eye can the coin of diameter 2.2 centimeter be kept to hide the moon? Take pi equal to 22 approximately. So here we have a coin and its diameter is AB, and from our eye the coin is kept at a distance r. We have to find out the distance of moon from earth. So if the angular diameter of moon be 30 minute, how far from the eye can the
coin of diameter 2.2 centimeter kept to hide the so here let the coin is kept at a distance r from the eye to hide the moon completely. Let a b equal to the diameter of coin, then arc AB, the diameter AB equal to 2.2 centimeter. So theta equal to 30 minute, that is 30 divided by 60, which is comes out in degree, so 1 by 2 degree. Changing it into radian, so that is 1 by 2 into pi upon 180 radian, so it is pi upon 360 radian. So theta equal to arc divided by radius, which is equal to pi upon 360. The length of arc is 2.2 and the radius or the distance of the coin is equal to r. So theta r comes out 360 into 2.2 divided by pi, 360 into 2.2 into 7 upon 22, yes, pi equal to 22 upon 7. So we have 252 centimeters. So the distance of the coin from the eye, that it will be 252 centimeter.